फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में नरेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इसका पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, जिसमें किसी को कोई ऑर्डर दिया गया है, किसी को कोई रिक्वेस्ट की गई है या फिर किसी को कुछ समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्डर करते हैं शट द डोर, तो ये क्या आ गया, शट द डोर जो सेंटेंस है वो ऑर्डर में काउंट कर लिया गया। इसी तरह से प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें क्या किया गया, रिक्वेस्ट की गई एक पानी के गिलास के लिए, तो ये हमारा रिक्वेस्ट में आ गया। इसी तरह से ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तो ये क्या है, एडवाइस दी गई है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो इस तरह से जिन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जाती है या फिर किसी को कुछ समझाया जाता है, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में काउंट कर लिया जाता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टोटल कितने टाइप के रूल आ जाते हैं, हम लोग 2 टाइप्स के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस काउंट करते हैं नरेशन में। फर्स्ट टाइप में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज या काइंडली से शुरू किए जाते हैं। और टाइप बी में इम्पेरेटिव सेंटेंस वो हैं जो कि लेट से शुरू किए जाते हैं। दोनों के रूल अलग अलग हैं, जिनको हम लोग आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे टाइप ए के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, कौन से थे, जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली लगाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सेड और सेड टू को, सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, अगर रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड या अपील्ड में चेंज कर देंगे। अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देंगे, और अगर कुछ समझाया गया है तो एडवाइज या फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। टाइप ए के सेंटेंसेस में हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम इन्वर्टेड कॉमास को इन्फिनिटिव टू में चेंज कर देते हैं। पहले हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को काट कर दैट लगा रहे थे, डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे थे या फिर इफ लगा रहे थे, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में, टाइप ए के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव टू का यूज किया जाता है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस रूल्स किए, असर्टिव सेंटेंस में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सेंटेंस है ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है किसको, सर्वेंट को, किस लिए, एक कॉफ़ी के कप को लाने के लिए, तो यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम लोग सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। सेड टू को ऑर्डर में His servant as it is आ जाएगा, inverted commas जैसे कि हम लोगों ने ऊपर किया infinitive to में change हो जाते हैं, तो यहाँ पर to आएगा, साथ में first form of the verb bring as it is आएगी, me change होकर, me क्या है हमारा, first person किस में जाता है, subject में, क्योंकि ये passive में है तो इसकी passive form him आएगी, a cup of hot coffee, और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास कट जाएंगे, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर सेड टू अस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें टीचर क्या कर रहा है, समझा रहा है, समझाना मतलब सेड टू किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड में, किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड अस, इन्वर्टेड कॉमास टू इन्फिनिटिव में, यहाँ पर हम लोग ऑलवेज, ऑलवेज को कहाँ पर ले जाएंगे, टू इन्फिनिटिव से पहले, ऑलवेज टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास कट कर फुल स्टॉप में।
नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। यहाँ पर क्या किया गया, रिक्वेस्ट की गई है, तो सेड टू किस में चला गया, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास टू इन्फिनिटिव में, प्लीज कट जाएगा, गिव मी किस में, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ही पैसिव में हिम, गिव हिम योर सेकेंड पर्सन, मी में जाके माय में बदल जाएगा, बुक एज इट इज। तो क्या आंसर आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माय बुक। अगर सेंटेंस डोंट से चेंज हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है, हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते टाइम नोट टू में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, नोट टू में। द ओल्ड मैन सेड टू मी डोंट टेल अ लाई, यहाँ पर ओल्ड मैन क्या कर रहा है, समझा रहा है, तो सेड टू किस में आ जाएगा, एडवाइज्ड में, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास इन्फिनिटिव टू में जाने से पहले डोंट नोट टू में चेंज हो गया, नोट टू टेल अ लाई। नेक्स्ट टाइप आ जाती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंस जो कि लेट से शुरू किए जाते हैं या फिर लेट अस से शुरू किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में सेड जो है वो इनडायरेक्ट में जाते टाइम प्रपोज्ड या सुजेस्टेड में चला जाता है, सेड टू जो है वो प्रपोज्ड टू या सुजेस्टेड टू में चला जाता है, इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज किए जाएंगे। पहले हम किस में चेंज कर रहे थे, टू इन्फिनिटिव में, लेकिन अगर लेट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो जाते हैं, अगर लेट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो जाते हैं, और लेट इज चेंज इन टू शुड, लेट किस में चला जाता है, शुड में चला जाता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सुजेस्ट एक सुझाव दे रहा है, ही प्रपोज्ड किस में आ गया, प्रपोज्ड टू, क्योंकि सेड टू है, हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमास किस में जाएंगे, दैट, उसके बाद लेट को हम लोग शुड में लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग अस को एज ए सब्जेक्ट लाएंगे, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन, किस में जाएगा, ही में, क्योंकि अस हमारा प्लूरल है, तो ये ही की जगह पर किस में चला जाएगा, दे, और लेट की जगह यहां पर शुड दे के बाद आ जाएगा, दे शुड गो आउट एज इट इज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू हिम लेट अस सिट इन द सन, यहाँ पर धूप में बैठने की बात की जा रही है, सुजेशन दी जा रही है, तो हम लोग आई सेड टू को सुजेस्टेड टू हिम एज इट इज आएगा, इन्वर्टेड कॉमास दैट में, अस किस में जाएगा, दे, लेट शुड में, दे शुड सिट इन द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, शी सेड टू मी प्लीज डू मी अ फेवर, इसमें क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, तो हम लोग इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट के लिए शी सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा मी, अब क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहा है टू में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड मी टू डू, मी किस में गया, हमारा शी में, डू हर अ फेवर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू मी रिंग द बेल एट वंस, यहां पर प्रिंसिपल ने क्या ऑर्डर दिया है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड आएगा, क्या आएगा, ऑर्डर्ड मी टू इन्फिनिटिव रिंग द बेल एट वंस। आई होप सो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के दोनों रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट बेटे होमवर्क है, होमवर्क में मैंने दोनों ही रूल्स जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कराए हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंस डाले हैं, आपने इनको अपनी कॉपीज पर सॉल्व करना है। थैंक यू।